नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। मंगलवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक मिल गया है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर के पीथमपुर में स्थित एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअली उद्घाटन किया। नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स फैसिलिटी की लंबाई 11.3 किलोमीटर है। नया हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक ओवल शेप्ड है और 4 फ्री लेन के साथ 16 मीटर चौड़ा है। ये ट्रैक एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक है। आपको बता दें, ये एक वर्ल्ड क्लास प्रूविंग ग्राउंड है जिसमें ऑटोमोटिव और कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए दूसरे टेस्ट ट्रैक शामिल हैं। नई फैसिलिटी ये सुनिश्चित करेगी कि भारत में ही वाहनों का टेस्ट और मूल्यांकन किया जा सके। अब इसके लिए उन्हें विदेश भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा टेस्ट प्रोसेस के हिस्से के रूप में यहाँ विदेशों से आने वाले वाहनों का मूल्यांकन करने के लिए भी ट्रैक खुला है। ट्रैक का उद्घाटन करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रेलवे, राजमार्ग और जल मार्ग की जो परियोजनाएं सालों से अधर में लटकी हुई थी, आज वो मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूरी हो रही हैं। नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स को 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि दो पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक सभी प्रकार के वाहनों की गति के टेस्ट के लिए इस ट्रैक का इस्तेमाल किया जा सकेगा। नए ट्रैक को 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की न्यूट्रल स्पीड और सीधे पैच पर बिना किसी मैक्सिमम स्पीड के साथ कर्ब पर 375 किलोमीटर प्रति घंटे तक की मैक्सिमम स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया। 0% लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इस ट्रैक को वाहनों के प्रदर्शन के सटीक माप के लिए ओपन टेस्ट लैब बनाता है। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि गाड़ियों को लेकर होने वाले सभी प्रकार के टेस्ट इस ट्रैक पर किए जा सकेंगे। वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये एक वर्ल्ड क्लास प्रूविंग ग्राउंड है जिसमें ऑटोमेटिव और कंपोनेंट टेस्टिंग के जरिए दूसरे टेस्ट ट्रैक शामिल हैं। नई फैसिलिटी ये सुनिश्चित करेगी कि भारत में ही वाहनों का टेस्ट और मूल्यांकन किया जा सके। आपको बता दें, ये टेस्ट ट्रैक हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक सभी प्रकार के वाहनों के टेस्ट के लिए खोला गया है। यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च, सुपर कार रेसिंग और डीलर इवेंट जैसे कमर्शियल इवेंट्स के लिए भी फैसिलिटी दी जाएगी। इस ट्रैक को लेकर फॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, लेम्बोर्गिनी सहित कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इस ट्रैक का उपयोग BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फरारी, लेम्बोर्गिनी, टेस्ला जैसी हाई एंड कारों की स्पीड को मापने के लिए किया जा सकेगा, जिन्हें अभी तक भारत में किसी भी टेस्ट ट्रैक पर नहीं मापा जा सकता है। आपको बता दें, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा होने के नाते इस ट्रैक पर हर तरह के वाहनों की गति टेस्ट की जा सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।